पानीपत की अनाज मंडी में किसानों का धान पहुंच चुका है। कई दिनों से खरीद ना होने के चलते लगातार किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब जाकर खरीद शुरू हुई, लेकिन अब किसानों के सामने बड़ी समस्या यह है कि अनाज मंडी में किसान को अनाज के उठान वे अच्छे दाम ना मिल पाना। परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है जी, ना तो हमारे फसल का रेट मिल रहा। पिछली बार से 650-650 रुपये पर क्विंटल रेट कम है और ख़रीदार भी नहीं है, बिकने में भी दिक्कत आ रही है। और यह मंडी भरी पड़ी है, भरी की मंडी, तो कोई खरीद नहीं रहा, तो जगह भी नहीं है डालने के लिए। हो रही है जो सरकार का स्पेसिमन मॉइस्चर ग्रेड है उसके अंदर जो पास हो जाती है वो सरकार ले रहेगी, और जो उसके मॉइस्चर ज़्यादा है उसको कहते हैं सुखा दो, सूखने के बाद फिर वो ले लेती है, सुखानी पड़ती है, सफाई मांगते हैं, सफाई करवानी पड़ती है। अब ये मंडी में जैसे धान आ रहा है, आवाक तेज हो गई है, तो क्या उठान वठान की भी दिक्कत आ रही है या टाइम से उठ जा रही है? टाइम सात रात को उठ जाता है, जो माल दिन में भरा जाता है रात को उठ जाता है। ठीक। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।